Hello guys, welcome to Girls Republic Live on ARY Musik. This is the Becks here. Hope you guys are doing well. Hopefully, आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा and hopefully this week भी आप लोगों का coming week अच्छा गुजरेगा. Oh, well, today you can call us live. Obviously, we're saying live here and you can leave a feedback on our Facebook page which is Becks Khan, B-E-C-K-S, space K-H-A-N. And today we're going to be talking about quite interesting topic that is, अगर आपकी हर किसी लोगों की जो हम देखते हैं और देखते क्या हैं, हम खुद भी अपना हमारी भी ख्वाहिशात होती हैं और हम चाहते हैं कि हम पूरी अपनी ख्वाहिश पूरी करें, अपनी जो विश होती है, you know, हर किसी की अपनी विशेज होती हैं कि हाँ, अगर जिस तरह होता है कि 7 or 10 things to do, like अपनी विशेज होती हैं कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी बने कि 10 things to do before you die that you wish you can do in life. तो हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम die के related बात नहीं कर रहे हैं, when you can die. लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं नो मैटर व्हाट. तो इसको आप ये करना है, आपको हमें कोई फनी आंसर दें, हम कोई सीरियस रिलेटेड बात नहीं कर रही. ऑल वी हैव टू डू इज कोई हमें हिलेरियस सा कोई फनी आंसर जो भी हमें कॉल करके देंगे उनको जो है हम बैलेंस गिफ्ट करेंगे कह रही हूँ, बैलेंस उनको देंगे, टॉप ऑफ विच इज बैलेंस होता है. तो आपको अगर लगता है कि आप कोई फनी आंसर दे सकते हैं तो आप ना जो है हमें कॉल कर सकते हैं. जो भी मुझे आंसर जो है मेरे फेसबुक पेज पे देंगे उनको हम सैडली जो है हम वो बैलेंस नहीं दे सकेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते. बस मैं आपको आंसर ऐसी रीड आउट कर दूंगी. अगर आपको बैलेंस विन करना है सो यू कैन कॉल अस लाइव, इफ कॉल्स डोंट गो थ्रू, अपना फीडबैक जो है मेरे पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं. और मुझे जो है इतने मैसेजेस आए हुए थे ओवर द वीकेंड, मुझे आते रहते हैं तो उनके बारे में मैं डिस्कस भी करती हूँ. आफ्टर दिस कॉल आई एम गोना टॉक अबाउट इट. हेलो, आवाज़ बहुत कम आ रही है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? इंशरा बात कर रही हूँ कराची से. इंशरा कैसी हो? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए. मैं भी ठीक हूँ. वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड बहुत जबरदस्त गुजरा, बहुत मजा आया. क्या किया आपने वीकेंड? वीकेंड पे हम लोग चले गए थे जरा आउटिंग पे. अच्छा, फैमिली कजिन्स फ्रेंड्स के साथ? जी जी. कहाँ गए थे? हम लोग जरा ऐसे बाहर निकले थे, फिर डिनर किया था, लॉन्ग ड्राइव पे गए थे. अच्छा, लॉन्ग ड्राइव. अच्छा, ये होता है ना कि फैमिली के साथ हो तो छोटे छोटे मोमेंट्स जो है ना काउंट करे जाते हैं बहुत ज्यादा. हाँ, तो आप ये बताएं, हमारा जो आज का टॉपिक है, हर किसी की ख्वाहिशात होती है, तो आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप पूरा करना चाहती हैं? फनी होनी चाहिए, कोई सीरियस ख्वाहिशात हम कुछ नहीं रहे, हम कोई फनी मजाक वाली बात करें. और अगर आप बहुत ही ज्यादा फनी हमें कोई आंसर देंगे तो हम जो है उनको जो है आप लोगों को बैलेंस देंगे. अच्छा अच्छा, तो ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हमारा ARY जो है वो दिन रात तरक्की करे. अच्छा, जो हमारी कराची टीम है ये जीत के आए. ऑलराइट, ये ख्वाहिश है. Which is Karachi Kings. Inshallah, inshallah, we'll see about that. But thank you so much for calling. It was lovely talking to you. आप भी हमसे अगर बात करना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं. और जो हम आज बात कर रहे हैं ख्वाहिशात के ऊपर, जो विशेज होती हैं, आई थिंक इन अदर वर्ड विशेज ही बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ख्वाहिश को. तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, कुछ लोगों की बहुत ही अजीब अजीब सी ख्वाहिशात होती है, हमें ये करना है वो करना है, लेकिन मेरे माइंड में यही आर्टिकल वो आ रहा है क्योंकि मैं उस आर्टिकल को रीड आउट कर रही थी विद माय बेस्ट फ्रेंड, वी वर जस्ट गूगलिंग स्टफ. और हम गूगल करते हैं तो इस तरह की बातें बीच में निकल आती हैं. तो उसमें जो है बेसिकली वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कौन सी ऐसी विशेज हैं, लाइक व्हाट थिंग्स यू वांट टू डू बिफोर यू डाई, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू गोना डाई राइट सो यू गॉट टू डू समथिंग. कि आप अगर किसी को अगर पता हो कि यू नो लाइक नेक्स्ट डे वी गोना बी it's gonna be end of our life and stuff, तो इसके बारे में जो है हम जिस तरह अब यू नो हाउ बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक, कि बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठ बैठ के पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करते हैं. तो इट्स जस्ट मेंटली इट ड्राइव्स यू क्रेजी. बट एनीवेज माय बेस्ट फ्रेंड इज नॉट हियर बट दैट्स जस्ट टोटली डिफरेंट पार्ट ऑफ इट. लेकिन हम ख्वाहिश पे बात कर रहे हैं, हर किसी की ख्वाहिश अपनी अपनी होती है, लेकिन आप लोग कोई हमें फनी कोई आंसर देंगे तो हम आपको गिफ्ट करेंगे बैलेंस विच इज. और मुझे मैसेज भी आए हुए थे ओवर द वीकेंड, मैं अभी आपको कॉल से पहले बता रही थी, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं बात कर लूँ. एक मुझे बहुत ही लेंदी मैसेज आया था ना, उस लाइक सीरियसली इसको इस मैसेज को टाइप करने में आपको कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि टाइपिंग की जो बात आती है हम रियली आर रियली सक एट इट. आई वुड रादर कॉल और वॉइस नोट्स, लेकिन जब मूड होता है तो तब मैं करती हूँ. एनीवे गाइस, यू लीव योर फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज और बी गोइंग फॉर टीनी टॉनी ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स रिपब्लिक. Hello guys, welcome back from the break. You guys are watching Girls Republic on ARY Musik. This is Becks Show. If you guys are doing well, you can leave a feedback on my Facebook page. That is Becks Khan, B-E-C-K-S space K-H-A-N. Today's topic is, कि आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश
है जो आप पूरी करना चाहते हैं. इट शुड बी फनी, इट शुड बी ऑल सीरियस, बिकॉज जो हमें फनी आंसर देंगे उनको हम बैलेंस देंगे. सो अगर आपको लगता है कि आप अच्छा सा कोई फनी सा आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो हम आपको जो है बैलेंस देंगे. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉल अस, और जो है हमें फेसबुक के पेज पे जो मैसेज करके आंसर देंगे रिलेटेड टू द टॉपिक, उनका मैं रीड आउट कर लूंगी, लेकिन उनको हम सैडली बैलेंस नहीं दे सकेंगे क्योंकि आपको कॉल करनी पड़ेगी. सो वी रिसीव द सेकेंड कॉल ऑफ द डे. हेलो, वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहा है? फरजाना बात कर रही हूँ कराची से. फरजाना कैसी हैं आप? फर्स्ट टाइम कॉल किए राइट? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम कॉल किए हैं. फरजाना आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं, क्या करती हैं? मैं अभी एमएस कर रही हूँ और बस घर पे हूँ. अच्छा, स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? बहुत जबरदस्त. हाँ, बहुत जबरदस्त. अच्छा, तो स्कूल में कैसी हुआ करती थी? शाय पर्सन और बहुत ही बोलना टॉकेटिव थी. अच्छा, ज्यादा जैसे ज्यादा बंक्स वगैरह नहीं किए, लेकिन हाँ मजा किया बहुत. अच्छा, तो बंक्स कब किए जाके? बंक्स मैंने यूनिवर्सिटी में आके किए. हो, मतलब अभी चल रहा है जो टाइम आपका, अभी करती हो? नहीं अभी नहीं किए, अभी नहीं किए. अभी तो खैर बहुत ही मतलब एमफिल चल रहा है, तो फिर तो उसमें तो सारी की सारी क्लासेस लेनी पड़ती है. अच्छा. हाँ, बीबीए में जरूर बंक्स. तो क्या फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, क्या करना है आगे चल के? इंशाल्लाह लेक्चरर बनना है, इंशाल्लाह स्कॉलर रिसर्चर बस. Alright, Himanshu, that's really great. आज ये हमारा जो टॉपिक, आप हमारा शो डेली देखती हैं या फिर आज पहली बार देख रही हैं? वैसे तो मैं देखती रहती हूँ, लेकिन अभी इस वीक में तो फर्स्ट टाइम ही देखी है. अच्छा, चलिए ये बताएं हमारा जो आज का टॉपिक है, आपको उसके रिलेटेड थोड़ा फनी आंसर देना है, सीरियस आंसर नहीं देना, और जो भी हमें फनीएस्ट आंसर देगा उसको हम जो है बैलेंस देंगे. तो आपको टॉपिक पता है क्या है? जी जी, मुझे पता है. हाँ, मेरी ख्वाहिश है. फनी आंसर मेरा ये है कि मतलब मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जिससे मैं किसी दूसरे का मुंह बंद करा सकूं. अच्छा, मुंह बंद करवा सकूं. हाँ. तो ये तो फिर मैजिक पावर होनी चाहिए ना, किसी कोई बहुत ही इतना बोले जा रहा है उसका मतलब. ख्वाहिश तो अच्छी है आपकी वैसे. हाँ. तो क्यों ऐसी ख्वाहिश, क्यों आज तक किसने तंग की है रिसेंटली? कौन तंग करता है आपको? नहीं, तंग तो नहीं करते, लेकिन हाँ जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहे होते हैं ना, आई डोंट लाइक देम. अच्छा, फजूल की बातें जो छोड़ रहे होते हैं ना, मुझे कुछ ज्यादा ही तो फिर मजा आता है ना उसमें, तो खैर बात कर सकते हैं. अच्छा, तो कभी बोला है किसी को स्ट्रेट मुंह पे बोल दिया कि आप भाई चुप हो जाओ, इतना नहीं, बोल कभी नहीं बोला. नहीं बोला क्यों? तो आप बैठ के ही बोल रहे हो, माय गॉड, अपने माइंड में ही क्या है, किस तरह चुप होंगे? हाँ, बस उसे सोचा है कि किस तरह से चुप करा सकती हूँ, क्या करूँ ऐसा जो बस चुप हो जाए. अच्छा, खुद बोलती हूँ वैसे? हाँ बोलती हूँ, लेकिन बहुत कम. बहुत कम, सोच समझ के कि कोई उल्टी बात ना बोल दूँ. हाँ, कोशिश करती हूँ. आप खामोश मिजाज देते थे हैं पहले, तो ऐसे ही बोल देते थे कुछ भी, लेकिन अब बहुत सोच समझ के बोलना. हाँ, नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आपका जो स्टेज हमारा भी है, तो हमें देख के बोलना पड़ता है. सोच समझ के बोलो, ये नहीं कि ऐसी जो मुंह में आ रहे बोलते रहो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. अगर आपको भी हमसे बात करनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं. अगर आपकी कॉलिंग मेरे रिव्यू में सिर्फ हमारे फेसबुक पेज, और मुझे यहाँ पे फीडबैक भी आई हुई जो मैं रीड आउट कर दूँ, विच वॉज आई थिंक रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द डे. ओके, राइट, alrighty, हमारा जो फर्स्ट मैसेज है. ओके राइट, मुझे एक मैसेज आ रहा था इतने दिनों से, अहमद, आई थिंक अहमद खोखार ने हमें मैसेज किया था. उन्होंने कहा था कि उनके कोई फ्रेंड्स हैं, उनका मैं नाम रीड आउट यहाँ पे कर दूं. सो आई एम रियली सॉरी, मैं लास्ट वीक भूल गई थी, और जो है मैंने आज आपने मुझे सही टाइम पे मैसेज किया जो मैं शो पे जो है. ओके, हाउ आर यू? आपने प्रॉमिस याद है, नेम्स बताऊं कि आपको पता है? राइट, अपने ओके, आई डिडंट गेट द फर्स्ट पेयर. अहमद खोखार, अप्रिश खोखार, ज़ारा शाह, हाय यू गाइस, होपफुली आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, एंड होपफुली मंडे तो वैसे किसी का इतना अच्छा गुजरता नहीं है. पता नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड्स टेक्स्ट करते हैं, द वंस हु दे डोंट लिव हियर, जो मुझे वहां से कॉलेज फ्रेंड मुझे टेक्स्ट करते हैं, ओह माय गॉड इट्स मंडे, वी हैव वर्क, वी हैव कॉलेज, वी हैव यूनिवर्सिटी. आई एम लाइक ओह माय गॉड, सो व्हाट, यू जस्ट गॉट टू, यू नो, यू हैव टू, लाइक ये नहीं कि आप मतलब मैं ये बात बोलूंगी कि आप घर पे बैठे रहो अपने आप को रूम में इस तरह बैठ जाओ, यू नो, लाइक यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स रियली. तो इसी ना आपको अपनी लाइफ, डेली लाइफ का जो रूटीन है उसको जो है आपको ख्याल में रखना पड़ता है. एनीवे, लेट्स जस्ट टेक दिस कॉल. हेलो, हेलो,
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं सिंधु बात कर रही हूँ, उकाड़ा से। कौन बात कर रही है? सिंधु। सिंधु बात कर रही हूँ, उकाड़ा से। अच्छा, कैसी हैं आप? यस। आप कैसी हैं? आप मैं भी ठीक हूँ। आपने पहली बार कॉल किया, राइट? यस। अच्छा, आप क्या करती हो? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। ओह राइट, 7th ग्रेड में हो, तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आगे चल के? अभी कोई प्लान्स हैं? यस, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? किस चीज़ का डॉक्टर बनना है? मैंने बनना है सर्जन। ओह राइट। अच्छा, आप जल्दी से हमें ये बता दें, हमारे जो टॉपिक है जो के है, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हो, फनी होनी चाहिए, सीरियस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमें फनी आंसर देगा उनको हम बैलेंस देंगे। तो आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहती हो? मैंने बड़े होकर डॉक्टर बन के अपनी मम्मा पापा का सपना पूरा करना है, और आई वॉन्ट टू बी माई बेस्ट चॉइस इन फ्यूचर। ओके, सही। तो आपकी ये ख्वाहिश है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आई थिंक हम ब्रेक लिए जा रहे हैं। यस, अ न्यू एज। अगर आपको जो है फीडबैक अपनी ड्रॉप करनी है, पेज पे ड्रॉप कर सकते हैं। एनीवे, आई एम गोना बी गोइंग फॉर टीनी टाइनी ब्रेक। गाइस, डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स पॉप लाइक। हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग गर्ल्स पॉप लाइक ऑन एवर म्यूजिक। ऑब्वियसली वी कम लाइव ऑन दिस चैनल ओनली मंडे टू थर्सडे। दैट इज, यू कैन लीव योर फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज व्हिच इज बेक्स कॉम्बी ECKS फेस KHA। एंड टुडेस टॉपिक इज, व्हाट्स दैट वन विश दैट यू वुड वांट टू फुलफिल। ऑब्वियसली कोई फनी होनी चाहिए। हमारा टॉपिक जो आज का है कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई फनी आंसर दे सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी फनी, कोई बहुत ही हंस हंस के पागल करते हैं हमें, कैसी कौन सी ख्वाहिश है जो मुझे पेज पे कर रहे हैं। आई एम सॉरी, हम आपको जो है पेज के थ्रू हम आपको बैलेंस नहीं दे सकते। वो यू हैव टू डू इज आप हमें कॉल करके बताएं, तो ऑब्वियसली हम आपको देंगे। सो आई थिंक वी रिसीव्ड अ थर्ड कॉल ऑफ द डे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? औरतलैन बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद कॉल। बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई है। बस कॉल मिलाते हैं, मिल ही नहीं रही थी, आज इत्तेफाक से मिल गई। हाँ, क्योंकि बहुत ही लाइन बिजी होती है ना, इसलिए। आपका वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, आज के क्या प्लान्स हैं फिर? आज के तो कोई खास प्लान नहीं है, शाम को शादी में जाना है, तो उसी की तैयारियाँ हो रही हैं। वेडिंग सीजन जी, वेडिंग। शादी में जाने का अच्छा शौक है या नहीं है? या बहुत ही हासिल होता है, प्यार हो एंड ऑल दैट? आज क्लोज होते हैं तो लोगों से मिलो, जाके फेक स्माइल रखो, मजाक नहीं। क्लोज किया तो जाना पड़ता है ना, रिलेटिव किया तो जाना ही पड़ता है। एग्जैक्टली हाँ, वो तो है, लेकिन सो फार हाँ, शादियाँ होती हैं वैसे अच्छी हैं। एनीवेज, एक दो दिन की बात। एनीवेज, आप हमें ये बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, विच इज कि कौन सी आपकी ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हो, फनी होना चाहिए आंसर। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं USA की प्रेसिडेंट बन जाऊँ। ये अच्छी ख्वाहिश है, US के प्रेसिडेंट। अभी तो हमारे वो है ना, ओबामा भी है, ओबामा है, कोई भी है, चले फिर इलेक्शन में देखते हैं और फिर पूरी दुनिया पे राज करूँ। अच्छा, तो इसका मतलब अमेरिका पूरी दुनिया पे राज कर रहा है ना। ऑलराइट, चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। अगर आपको भी कोई हमें बात करनी है, आपको कोई फनी आंसर देना, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जो मुझे फीडबैक आ रहा है, मैं रीड आउट कर दूं, इससे पहले मुझे बोलें कि शी इज नॉट रीडिंग इट आउट, सो आई एम जस्ट गोना रीड आउट अ फ्यू मैसेजेस। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मुझे मैसेज आए, मेरे लड़कों के मैसेज आए, क्योंकि लड़के हमें शो पे कॉल नहीं कर सकते, तो अभी उनसे फिर हमें यहाँ से इंटरेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज नो नाइस, यू नो, यू नीड टू इंटरेक्ट विद पीपल। राइट, आई एम गोना रीड आउट दिस मैसेज। अहमद कोखर के हमारा मैसेज आया, माय फनी विश इज आई विल ड्राइव ट्रक विद माय फ्रेंड्स इन पठान स्टाइल। अच्छा, उनकी विश ये कि उनको ट्रक चलाना है पठान के स्टाइल में। Okay, that kind of really makes a little bit of sense. Like, yahan pe sabko I think samajh aa gayi hai. So, anyways, hamara jo dusra message hai. Okay, right. Okay, Zakaul Khan keh rahe hain, aapka show bahut acha hai. Thank you so much. Amir Khan keh rahe hain, Amir Khan. Ooh.
ये मैसेज मैं बाद में रीड आउट करूंगी बिकॉज़ माय इंटरनेट्स मेसिंग अराउंड. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस तारिक बात कर रही हूँ. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. आज सब पुराने कॉलर्स की कॉल आ रही है. रमजानों में मुलाकात हुई थी. जी जी, आप कैसी हैं? कैसी दिन, कैसे दिन गुजर रहे हैं? लाइफ कैसी चल रही है? माशाल्लाह से मजा आ रहा है. प्रोग्राम देख के और ज्यादा मजा. चले आप ये बताएं हमारा जो शो का जो है. हाँ, जो आज आई एम सॉरी माय डायरेक्टर इज मेकिंग मी लॉफ. अच्छा, जो हमारा आज का शो का टॉपिक है कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है आप जो पूरी करना चाहती हूँ. मेरी ख्वाहिश बहुत जबरदस्त है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं गायब हो जाऊँ, मिस्टर इंडिया बन जाऊँ. क्यों, किसको तंग करना है गायब होकर? लोगों को तंग करूं मैं, जो लोग मुझे तंग करते हैं मैं गायब होकर सबको तंग करूं. गायब होकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं वैसे. हाँ ना, गायब होकर बहुत सारे काम कर सकते. हाँ सही, चले सही है. थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. और जो है हमारे सो फार बहुत सारे हमारे पास आंसर्स आते जा रहे हैं, हम देखेंगे कौन से जिसका फनी आंसर. और मैं मैसेज रीड आउट करूंगी आफ्टर दिस शो ब्रेक. और डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स पब्लिक. Hello guys, welcome back from the break. You guys are watching Girls Republic and today's topic is, as you know, कि आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हैं. It should be funny, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हैं. कोई सीरियस नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीरियस तो बहुत सारी आ जाती हैं. पूरी हम लिस्ट, पूरी अगर हम पेन और पेपर लेकर बैठे हैं पूरी हमारी लिस्ट बन जाएगी. लेकिन मुझे यहाँ पे एक मैसेज आया था, एक हमारे जो है आमिर खान है उनका हमें मैसेज आया है जो मैं पहले रीड आउट करना चाहती थी लेकिन मैंने रीड आउट नहीं किया. For now, you guys can call us. और हम जो है बैलेंस दे रहे हैं जो भी हमें फनी आंसर देगा. दिस इज द लास्ट थिंग. तो आपको ये करना है कि आप हमें कॉल करके जो है फनी आंसर दें और हम आपको बैलेंस देंगे. Alrighty, मुझे जो है यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है. आमिर खान पहले मुझे कह रहे थे, अच्छा उन्होंने मुझे एक जोक सेंड किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. बिकॉज आई जस्ट शेयर इट विद माय टीम हियर एंड वी ऑल वर लाफिंग बिकॉज इट वाज दैट फनी. एक पठान दरख्त पे उल्टा लटका होता है, एक आदमी वहां से गुजरता है तो उससे कहता है कि भाई दरख्त पे क्यों लटके हो? तो पठान ने कहा कि सर दर्द की गोली खाइए, कहीं पेट में ना चली जाए. ओह माय गॉड, दिस इज फ्रिकिंग हिलेरियस. इसी में आगे हमें आप लोग जोक्स, हमने आई थिंक जोक्स डे भी किया था. लेकिन ये क्या है, सर की गोली खाई पेट में ना चाहिए तो उल्टे लटके हुए. हमें आप आज से ये करना चाहिए, हम उल्टे लटक जाएंगे जाके. ऑलराइट जी, वी रिसीव द कॉल. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? मैं जमीला बात कर रही हूँ. क्या हाल है आपके? मैं ठीक. इतने दिनों बाद कॉल, बस ये कैसे हो गया? बस काफी टाइम हो गया, बहुत अच्छा हो गया. बस वो बस बिजी हो गए थोड़े, बच्चे हो गए, शादियाँ वादियाँ सब. अच्छा चले सही है. आप ये बताएं हमारे आज का टॉपिक है कि आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हैं. फनी होनी चाहिए, कोई सीरियस नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली. मैं डिज्नी वर्ल्ड का मिनी माउस बनना चाहती हूँ. क्या? डिज्नी वर्ल्ड का मिनी माउस. ओह माय गॉड, दैट्स फनी. चले सही, ऐसा क्यों ऐसे? ये बच्चों को अट्रैक्ट करती है, बच्चे इसे अट्रैक्ट होते हैं, खूबसूरत है. अच्छा, आपकी सुने वो? अभी नहीं सुनते हो जाते हैं ना बच्चे, अट्रैक्ट करते हैं ना बच्चों को. हाँ ये तो है वैसे. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हम बताएंगे कि आज का विनर कौन है. सो यस, हमें जो है यहाँ पे एक मैसेज भी आया था. मुझे कुछ और मैसेजेस जो आए हुए थे मैं रीड आउट करूँ. आमिर खान ने अभी हमें फिर से किया, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी किसी परी से हो जाए. और उनकी और बहुत सारी ख्वाहिशात हैं. मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमेरिका के लोगों को गायब होकर उनके पैसे लूट लूं. अच्छा, आई एम योर फैन, आई ऑलवेज सी योर शो. थैंक यू सो मच आमिर खान फॉर योर मैसेजेस एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर हु हैज बीन मैसेजिंग मी टुडे. और मुझे स्टेटस पे भी आए हैं जो कि मैं बार बार भूल जाती हूँ, सो आई एम जस्ट गोना रीड इट आउट. Okay, but today it was kind of really hilarious क्योंकि आप लोगों जिस तरह हमें आंसर्स दिए हैं और हर किसी की ख्वाहिशात होती हैं. मुझे आई थिंक अभी कंट्रोल रूम में से बहुत सारी वो आवाज़ें आई थी कि हमें माउंट एवरेस्ट पे जाके घर बनाना है. चले हम अभी इस पर कुछ प्लान करते हैं. और जो है मुझे यहाँ पे अलीज़ा का मैसेज आया हुआ है. हाई बेस्ट, टुडे इज हेयर स्टाइल सेकंड 22nd बर्थडे, कैन यू प्लीज विश हिम एंड माय विश इज टू मीट माय इंस्पिरेशन लुई. From One Direction, yeah, hey, One Direction, at least we've got something in common because I was crazy about One Direction. I'm going to talk a little bit about it after this call. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kaun baat kar raha hai? Mrs. Shahid baat kar rahi hai. Mrs. Shahid? Ji. Aaj saare purane college ki call aa rahi hai.
देख लेना। ये क्या हो रहा है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा शो कर रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मिसेस शाहिद। आप ये बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरा करना चाहती हैं? ख्वाहिशों पे तो मैं यही कहूँगी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यानी कि बहुत सारी ख्वाहिशें। कोई फनी होनी चाहिए, मगर पहली ख्वाहिश तो इंसान की यही होती है कि अल्लाह मियाँ हमें हज पे ले जाए, उमरा कराए, ये ख्वाहिश है। सही, हम यहाँ पे टॉपिक जो है हमारा फनी रिलेटेड, हम मजाक वाली ख्वाहिशों की बात कर रहे हैं। यह थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू गाइस, जिनकी हमें आज कॉल आई थी। और आई थिंक वन डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, लीजा यू आर द मोस्ट क्रेजीएस्ट फैन। मतलब मुझे जब भी आपके मैसेज आते हैं, आपके आते हैं जो रिलेटेड टू वन डायरेक्शन, आई थिंक जो है वन डायरेक्शन की, हम आई थिंक इस पे टॉपिक रख ही लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे फीडबैक आप लोगों के आ रहे थे कि वन डायरेक्शन पे बात करें एंड ऑल दैट। बट एनीवेज, आज के विनर हमारे कौन है जल्दी से बता दें। हाँ, जमीला आज के हमारे विनर है, कांग्रेचुलेशंस, यू वन द बैलेंस, दैट इज टॉपर। आई थिंक वी गोना वाइंड अप द शो नाउ, aren't we? Alrighty guys, that was it for today. If you want to leave your feedback, you can leave it on my Facebook page. That is Vexcom, Becks, Face, Khan. And you guys should talk to yourself and, you know, just be positive and just spread happiness and spread love. You guys take care of yourself and I'll be seeing you later. Bye-bye.